नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल डे में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। 8 दिसंबर बॉलीवुड में बीते 50 सालों से लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाले धर्म सिंह देओल यानी धर्मेंद्र का 85वां जन्मदिन है। उनका जन्म ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पंजाब में लुधियाना जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। धर्मेंद्र बचपन से ही स्कूल जाने से परहेज करते थे और अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते थे कि वह उन्हें स्कूल ना भेजे। धर्मेंद्र को अभिनय के शुरुआती दिनों में फिल्मों के प्रति काफी लगाव हो गया था। एक दिन अपनी माँ के कहने पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को फिल्म फेयर न्यू टैलेंट में भेजा और सच में यह पोर्टफोलियो विमल रॉय और गुरुदत्त के एक फिल्म विज्ञापन के लिए था और जिसके लिए धर्मेंद्र ने जॉन एंड सन से अपना पोर्टफोलियो बनवाया था। धर्मेंद्र ने फिल्म मेकर मैगजीन न्यू टैलेंट हंट पुरस्कार जीता और काम की तलाश में पहली बार मुंबई आए। महज 19 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र का विवाह उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुआ। धर्मेंद्र अपनी पहली एक्शन फिल्म फूल और पत्थर में एकमात्र नायक के रूप में दिखाई दिए, जो वर्ष 1966 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसके लिए धर्मेंद्र का नाम सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अभिनेता के रूप में नामांकित हुआ। 1960 के दशक में मीना कुमारी के साथ उनका संबंध अक्सर सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मीना कुमारी ने धर्मेंद्र की बॉलीवुड में ए लिस्ट में शामिल होने के लिए मदद की थी। फिलहाल स्पेशल डे में इतना ही। नमस्कार।